मजबूत हैं इरादे मेरे, ख्वाहिश है मंजिल पाने की, रास्ते मेरे मुझे खुद ही ढूंढने होंगे, चल पड़ी हूँ और चाह है चांद को छूने की। विधानसभा क्षेत्र हरोली के टाहलीवाल नंगल कलां की होनहार बेटी सान्या जिस प्रकार अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर है, उसे देख उनके माता पिता ही नहीं बल्कि पूरा हरोली क्षेत्र उन पर नाज करता है। My name is Sanya Kaushal and I belong from Taliwal industrial area. पिता राकेश कौशल बड़े गर्व से अपनी बेटी की उपलब्धियों का बखान करते हैं। मैं राकेश कौशल तालीवाल नंगल कला हरोली कंस्टिट्यूंसी का रहने वाला हूँ। मेरी दोनों बेटियां इलाके का नाम रोशन किया है और करे भी क्यों ना, क्योंकि उनकी छोटी बेटी सान्या ने LLB में हिमाचल विश्वविद्यालय में टॉप कर ये साबित कर दिया है कि बेटियां केवल घर की शोभा नहीं होती बल्कि चांद को भी हासिल करने का जज्बा रखती हैं। I started my journey from doing my 12th standard, then I joined LLB course in Himachal Pradesh University in LR Institute of Legal Studies. For 5 years I've been there. In almost 4 semesters I topped in the university and in whole Himachal Pradesh. सान्या ऐसी ही मंजिल की तलाश में सफलता के मुकाम हासिल करती जा रही हैं। उनकी बड़ी बहन तान्या भी उनके नक्शे कदमों पर चलना अपना ध्येय मानती हैं। जब इसने LLB में टॉप करा, इट्स लाइक कि हमारी फैमिली में शायद कोई पहला ऐसा इंसान होगा जिसने ऐसे कभी टॉप करा हो। आई थिंक हिमाचल यूनिवर्सिटी में, पूरी यूनिवर्सिटी में टॉप करना, ये बहुत बड़ी बात है। एक्चुअली मुझे पहले से ही बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था और जब मैंने इस फील्ड को स्टार्ट किया आफ्टर 12th, जब मैंने इसको इंटरेस्ट लिया, फिर मेरा इंटरेस्ट और इसमें बढ़ने लग गया। किसी भी माता पिता के लिए वो पल बहुत बड़ी खुशी लेकर आते हैं जब उनके बच्चे उनका नाम रोशन करते हैं। ये खुशी तान्या और सान्या के पापा के चेहरे पर साफ झलकती है। मुझे अपनी बेटियों पे बहुत गर्व है और मैं सोचता हूँ मेरी बड़ी बेटी इलाके की पहली CA होगी, लड़की CA होगी। उनके माता पिता ने उन्हें कभी भी किसी निर्णय को लेने से नहीं रोका। पिता के असीम प्यार और विश्वास के कारण ही सान्या में कुछ कर दिखाने की इच्छा प्रबल हुई। कभी इन्होंने कभी नहीं हमने कहा, इन्होंने कहा कि मैंने लॉ करनी है, ये कहती है कि मैंने CA बनना है, हमने नहीं कहा कि आप डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, जो इनकी इच्छा वो करो। ओपन माइंडिंग थिंकिंग ही आपको यहाँ तक ला सकती है। यही कारण था कि पढ़ाई के प्रति एकाग्रता के साथ साथ विजेता बनने के जुनून ने कभी सान्या को हार ना मानने दी। LLB करते समय तीव्र कमर दर्द के कारण यदि पढ़ाई में रुकावट भी आई तो उस रुकावट को उन्होंने दुगनी मेहनत से दूर कर दिया। दोनों बहनें अपने पिता को अपना आदर्श मानती हैं जिन्होंने हर कदम पर उनका मार्गदर्शन किया। और ये बहुत बड़ा एक इफेक्ट होता है अगर आपको अच्छे टीचर्स, अच्छे गाइड मिले, और अगर आपको अच्छे गाइड मिलते हैं तो आप जरूर कहीं ना कहीं सक्सेस तो आपके पास आएगी। सान्या LLB में टॉप कर अब नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में LLM की तैयारी में जुटी हैं। तान्या भी कामयाब CA बनने का सपना आंखों में सजाए दिन रात एक कर परीक्षा के लिए कड़ी मेहनत कर रही हैं। Then afterwards, after 5 years, I went for entrance examination for LLM. In that, in IP University, New Delhi, I got 28th rank in all India. Then I cracked entrance examination of National Law University Shimla and I got first rank in Himachal and 9th all India. Regarding my future plans, I'm planning to work in bank or in any MNC. यूथ को मैं यही कहना चाहूँगी कि कंसंट्रेशन से करें जो भी कर रहे हैं, किसी भी फील्ड में जाना चाहते हैं अपने पेरेंट्स से डायरेक्टली बात करें। बेटियों की इस कामयाबी में उन्होंने हिमाचल प्रदेश सरकार का भी योगदान स्वीकार किया है। जो हिमाचल सरकार का नारा है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, उसमें बढ़ चढ़ कर आगे आए। यही दुआ करते हुए हम जल्द ही हरोली के एक और कामयाब व्यक्ति से आपका परिचय करवाएंगे।